नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आरजे ग्लेन आपके साथ। देखिए, इस कोविड 19 के सिचुएशन ने हम सबको वर्क फ्रॉम होम करने पे मजबूर कर दिया है। वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल। सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए हम सब अपने घरों से काम कर रहे हैं। नाउ अगर आप थोड़े से बीमार पड़ते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह है हु इज इन देयर लेट 20s एंड अर्ली 30s, आपके पास बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन बहुत सारे पैसे बचे होंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, हम अपनी सैटरडे नाइट, एटलीस्ट मेरे लोग और मेरे दोस्त, हर बार पार्टी करने में स्पेंड करते थे और बहुत सारा पैसा खर्च होता था। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से बहुत सारा पैसा, नाउ आई डोंट मीन बहुत सारा पैसा, आई मीन बहुत सारा पैसा हमारे पास बचा हुआ है। अब इस पैसे का करें क्या? अब ऑब्वियसली बात है, हम डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते। बट आई हैव अ मैन हुम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू, whom I call the financial doctor. ये आपको exactly बताने वाले हैं कि आप पैसे कैसे invest कर सकते हैं, कैसे उस money को multiply कर सकते हैं, और कैसे अपने future को, ऐसे समय में जहां पर हमें future से डर लगता है, हमारे future को secure कर सकते हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, my name is RJ Glenn. It gives me great pleasure to introduce to you Mirae Asset Investment Managers India Private Limited के CEO Mr. Mohanty with me right now. Sir Swarup Mohanty, thank you so much for joining me on the show. Thank you, sir. No, Glenn, so happy to be with you. It's always so good to see the energy. It's very infectious, let me tell you. Thank you, sir. Thank you so much. I think work from home, I have dressed up, you have dressed up, and we are on point to take this chat forward. Sir, pehle to main aapko batana chahunga, kya hai na, Mohanty sir, ye paison ki jahan tak baat karte hai na log, to bade stressed ho jate hai. उनको ना डर लगने लगता है, तो थोड़ा सा आइस ब्रेक करते हैं यहाँ पे। मैं जानता हूं कि आप बहुत एक बहुत ही पैशनेट इंसान है, बट यू लव म्यूजिक, व्हिच इज अ कॉमन थ्रेड बिटवीन यू एंड मी एज द रेडियो जॉकी। टेल मी अबाउट योर लव फॉर म्यूजिक। ग्लेन, आई डेफिनेटली फील कि आई हैव अ थेरेपिस्ट एंड दैट थेरेपिस्ट इज म्यूजिक मेरे लिए। यू नो, व्हेनेवर कुछ भी अच्छे दिन हो तो गाने सुनते हैं, बुरे दिन हो तो गाने ही सुनते हैं। And it's such a wonderful thing to have and to be associated with. And then, जिसके life में music नहीं हो तो वो थोड़ा मेरे हिसाब से lonely होना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। But yeah, especially lockdown के time में, it's definitely helped. And then over the years, I've been associated with listening to music काफी दिनों पहले। बचपन से ही गाना सुनता हूँ घर में। अगर मेरे घर आप भुवनेश्वर जाएं and you ask कि ये एड्रेस है, तो वो आदमी बोल देगा कि जहाँ गाना बजता है। सो इट्स लाइक दैट। सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीथिंग, अगर गाना सुन रहा है तो सब माफ। इट्स लाइक दैट। सो एब्सोल्युटली, आई थिंक पार्ट ऑफ माय लाइफ, म्यूजिक थेरेप्यूटिक होता है, कैथार्टिक होता है, हमें ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से रिलीव करता है। मोहित सर, आप और आपकी जो पूरी टीम है वो लोगों को सिखाती है कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई योर वेल्थ, हाउ टू वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। हम इवेंचुअली थोड़ा लोगों से बात करके सीखते हैं और थोड़ा ठोकर खा के लाइफ में सीखते हैं। आई एम स्पीकिंग अबाउट माई ओन एग्जाम्पल। मैंने 5-6 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 23-24, बिकॉज मेरा एक सपना था कि मेरा बाय अ सर्टेन एज एक खुद का घर होना चाहिए। वो अब खुद का घर नहीं हुआ है अब तक, बट आई नो दैट ड्रीम, आई एम क्लोजर टू दैट ड्रीम, एंड दैट हैपेंड बिकॉज आई वाज इन्वेस्टिंग मनी। सर, जब म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना लोगों से, एटलीस्ट पेरेंट्स से जब बात करो तो उन्हें लगता है गलत, नहीं करना चाहिए। मैं आपको मेरे घर की सिचुएशन बता रहा हूँ, जनरल सिचुएशन नहीं। मेरे डैड के हिसाब से सेफली FD में या बैंक में रखना सेफ है, गलत, नॉट ट्रू। एंड मुझे पता है बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स इसी एक नोशन से गुजरते हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? नहीं, व्यूज आर व्हाट यू से इज करेक्ट। प्रोबब्ली एवरी हाउसहोल्ड्स व्यू इज दैट, बिकॉज़ आप अगर इंडिया एज एन इन्वेस्टिंग जर्नी अगर देखें इंडियंस की, तो प्राइमरीली फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादातर रहा है। पीपल एस्पायर टू बाय अ हाउस एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड रादर देन फाइनेंशियल एसेट्स। एक चेंज आया ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन, मेरे हिसाब से डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा एक पड़ाव है जिसमें यू नो फ्रॉम देयर पीपल विल स्टार्ट हैव स्टार्टेड ग्रेजुएटिंग टू फाइनेंशियल एसेट्स। आई ऑलवेज हैव दिस स्मॉल स्टोरी एंड देन जस्ट टेक 2 मिनट्स ऑफ टाइम। अगर पहले जमाने में आप जाएं तो एंड यू लुक एट द वेल्दी,
द वेल्दी यूज्ड टू बी द किंग्स, तो उनके पास जायदाद होते थे, जमीन होते थे, तो वहां से एक एसेट क्लास निकला विच इज लैंड एंड प्रॉब्ली प्रॉपर्टी, गोल्ड एंड ज्वेलरी. उसके बाद यू नो इन द जर्नी ऑफ वेल्थ इट वेंट टू द ऑयल, द शेक्स बिकेम रिच, राइट? एंड बट ऑयल कुड नॉट बी डिस्पर्स, सो ऑयल डिड नॉट बिकम अ करेंसी फॉर रिचनेस और एसेट ग्रोथ. But if you see the top 500,000 richest people of the world now, they only own equity, right? So this graduation will come to your generation. The cusp was our generation when we went from there to here. My son, I don't think will buy a house, because agar main mere generation aur aapke generation mein jo farak main dekhu, hamare generation mein assets was a fixed, aapke generation mein assets are experiences. Right. So that is the generation which will carry forward the financialization of assets, and I see that happening in India. Sir, generally क्या होता है ना, पैसे के मामले में लोग बड़ा short term सोचते हैं, लेकिन मैंने खुद को दिलासा दे दिया है आपके इस word से. और मेरे पास एक statistics भी आया था कि after every pandemic, जैसे कि SARS हुआ था या फिर Ebola outbreak हुआ था या फिर कुछ कुछ जो हुआ था दुनिया भर में, उसके बाद market had shot up 10-fold, 20-fold, 30-fold. एंड जिन्होंने भी उस समय पे मार्केट का फायदा उठाया लो प्राइसेस का एंड यू नो ज्यादा बाय किया था या फिर अपने फंड मैनेजर्स से बात करके जो कुछ भी सही तरीके से किया था, दे बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एंटायर सिचुएशन. आई एम नॉट सेइंग दैट ये सिचुएशन से हमको बेनिफिट करना है, बिकॉज पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स वर्ल्ड वाइड, बट आई एम सेइंग दैट लेट अस क्रिएट लेस पैनिक, लेट अस क्रिएट लेस वरी एंड टेंशन, बिकॉज टेंशन एंड स्ट्रेस तो ऑलरेडी है दैट वी आर लिविंग विद. It is a very interesting saying which was said to me by my bosses. It is never wise to jump off a rocking boat. Let the boat stabilize, then you take the corrective action. But abhi to boat kafi hil raha hai, abhi shanti se baithe rahe. Let us see some light at the end of the tunnel. That is the time to take any kind of step. Sir, mujhe thoda darkness dikh raha hai, to main aapko personally chat karne wala hu, aapko message karne wala hu for some advice. Because I see thoda sa mujhe na, I'm happy where I am. I don't, once I invest, मेरा SIP निकल जाता ना सर, मैं सोचता नहीं हूँ. ये मैंने सोचा है कि it's gone. But I want some more direction and I'm definitely seeking some advice from you. Moving ahead, sir, there are a lot of people, you know, like me, a lot of young guns, like you said, of this country, जिनको SIP word सुनके, अरे यार ये क्या है? We are a generation, sir, who wants quick results. But like you very rightfully mentioned, market is not somewhere where आपको लगता है कि आज आपने 50 रुपया डाला तो कल आपको 50 लाख मिलेंगे. मार्केट वल्नरेबिलिटी, इट इज वॉलेटाइल, इट इज एज पर व्हाट यू सेड, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, व्हाट आर योर गोल्स एंड हाउ मच रिस्क आर यू रेडी टू टेक. वन मैसेज टू द यूथ हु थिंक दे वांट टू एंटर द मार्केट बट हैव दिस रॉन्ग नोशन बिकॉज देयर फ्रेंड्स हैव टोल्ड देम, ब्रो आई पुट सो मच ऑफ मनी, आई गॉट सो मच ऑफ मनी. सो वन मैसेज एज समवन हूज हूज यू नो हूज who's well versed in this field for so many years, you should be telling the youth one thing that you'd like to tell us. See, one thing is the youth has time in their hands, which is the biggest asset. The only thing that you must ask yourself before investing is, why are you investing? Right. Everything lies in that answer to that why. Once you know why you are investing, it is easy to know where you are investing. Right. Typically, kya hota hai, you get more involved in where you are investing than the why. Then you become a mindless traveler. Once you fix your goal, then you know where to invest. Sometimes you, if your goal is 10 lakhs and there is 10 lakhs in your bank, you don't need to invest, right? But both 9 out of 10 times I have seen people more involved in the where than the why. While the most important and the only thing that matters is why. And please understand, Glenn, your why will be different from my why. Absolutely, sir. Absolutely. Okay. So your why will have a different where solution to my where solution. Where you will invest because of your age factor will not be where I will invest because of my age factor. Now, suppose my mother, who is getting pension for the rest of her life, who is now bindas in life, she can invest wherever she wants. In fact, she invests in far more riskier investments tools than I do, because she has already created her pension. I am in the process of creating my pension. So to understand the why is the most important. उसके बाद यू कैन मेक अ फाइनेंशियल प्लान एंड फॉलो द फाइनेंशियल प्लान. बट एवरीबडीज व्हाई विल बी डिफरेंट, हेंस एवरीबडीज इन्वेस्टमेंट्स, अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स विल बी डिफरेंट केटरिंग टू दैट व्हाई. सो गेट टू एन एडवाइजर, सेट योर गोल्स एंड देन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली, इट बिकम्स इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस. वेल मिस्टर मोहंती, आई वांट टू जस्ट से थैंक यू सो मच.
maybe if this pandemic wouldn't have happened, we wouldn't have met like this and had this chat. मैं हर एक चीज को मैं अपना मैं सोचता हूँ हर एक चीज में पॉजिटिव निकालना बहुत जरूरी है. We are anyways living a very stressed out life and we are living with constant fear. And in this world of fear, worry, stress, tension, when we have people and individuals like you who are here to give us advice and to show us the right direction, all we can say is thank you. Because social distancing, sir, मैं नमस्कार करूंगा. And नमस्कार Glenn. Thank you. Lovely meeting you. You are such a joy. Thank you, sir.